अब्राहम नू जदो परमेश्वर ने आवाज मारी और उन्हें कहा कि अपने बाप दा घर, अपने रिश्तेदार, अपनी जायदाद, अपना परिवार छड ते मेरे पीछे हो लै ते उथे जा जो तन्नू मैं देश दिखावांगा। ते अब्राहम रुकिया बहुत जगह उत्ते रस्ते विच, रुकिया बहुत जगह उत्ते रस्ते उपर, पर ओ ठहरिया नहीं। उन्हें पता सी मेरे परमेश्वर ने मैनू कोई जगह दिती है, मैं उत्थे पहुंचना है। ते सानू परमेश्वर ने एक वादा दिता है, कहिंदा कि मैं थानू अनंत जीवन देन दे लई आया हां, और वो चोखा जीवन है और वो बहुतायत जीवन है जिहदा अंत कदे नहीं हुंदा है। सो बाइबल लिखिया गया एक एक उदाहरण, एक दृष्टांत प्रभु यीशु ने दिता, मत्ती दी अंजील 19 अध्याय दी 16 आयत तो लैके जो असी 30 आयत तक पढ़ते हाँ, इस जगह उत्ते एक बहुत ही गंभीर कहानी दर्ज की गई है। दृष्टांत कह सकते हैं, कहानी कह सकते हैं, उदाहरण कह सकते हैं, पैराबल कह सकते हैं, क्योंकि इस बड़ा खुफिया कलाम लिखा हुआ है। लिखा एक धनी व्यक्ति, धनवान बंदा, जो कोई बहुत धन से बड़ा अमीर बंदा से, वो प्रभु यीशु मसीह दे कोल आके कहिंदा, हे सतगुर, हे सतगुर, गुरु जी, स्वामी जी, प्रभु जी, आप जिहड़ी भी भाषा समझ सकते हैं समझ लैना चाहिए। कहिंदा हे सतगुर जी, मैनू दसो कि मैं की करा भई मैं अनंत जीवन प्राप्त करा, मैं की करा भई मैं अनंत जीवन प्राप्त करा। और अगे वो कहिंदा है के नाल ही मैं भले काम देखा, ना कि देखा मैं भले काम। इस बंदे नूं पता सी भला की है और बुरा की है, और की करन दे नाल मैनूं भलाई दिखेगी और की करन दे नाल मैनूं बुराई दिखेगी। और बाइबल च लिखिया गया है जदों एक धनवान मनुख प्रभु यीशु दे कोल गया, और वचन दसदा है कि प्रभु यीशु मसीह दे कोल जाके जिहड़ा ने सवाल कीता, शायद बाइबल विच इस तो पहले किसी दूसरे बंदे ने यह सवाल नहीं कीता सी। यह पहला मनुख सी जिन्हें आके पूछा, मैनूं सदीपक जीवन पाण दे लई की करना पवेगा ताकि मैं भलाई नूं देख सका। ते प्रभु यीशु ने की किया, कहिंदा जे तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। क्या कर? आज्ञाओं को माना कर। जे असी जीवन नु प्राप्त करना है, प्रवेश करना है अनंत जीवन दे उस मार्ग विचो, उस रस्ते विचो, ते असी पहुंचना है प्रभु यीशु दे सिंघासन दे कोल, ते की करना पेगा? बाइबल लिख गया सारियां आज्ञावां दी पालना करना। कैलेंडर लगे होंगे, चर्च में भी लगे होंगे, पर सानू याद नहीं कि आज्ञावां है केड़ियां केड़ियां। तो जो प्रभु ने गल कही तो बंदा कहिंदा मैं बचपन तो इस सारियां आज्ञावां दी पालना करदा है। प्रभु ने पूछा नहीं आज्ञावां है केड़े केड़ियां है, ते पर उन्हें आपे ही कहना शुरू कर दिता, उन्हें आपे ही कहना शुरू कर दिता कि मैं ते सारियां आज्ञावां दी पालना करदा हां। और नाल ही कहिंदा कि इह आज्ञावां है ना, प्रभु यीशु मसीह नूं कहिंदा कौन सी आज्ञावां, केड़ियां आज्ञावां, अगो सुआप की मिलिया, तू हत्या ना कर। की ना कर? हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने पिता अते अपनी माता दा आदर करना, और अपने पड़ोसी नाल अपने जिहा प्यार करना। एक पांच आज्ञावां है, बाकी पिछे लिखिया, पर पांच जो मेन आज्ञावां है ये बड़ियां महत्वपूर्ण है। साडे सब दे जीवन विच आ चीजां हर दिन असी फेस करदे हां, फेस करदे कि नहीं करदे? हत्या, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਆ ਭਾਈ, ਮਕਰੇ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਹੈ,
परमेश्वर ने जिंदगी तुहाडे जीवन च पाई है। अगर आप कहने ये मैनू चाहिए नहीं, आप गर्भ च मरवा दें तो वह की है, हत्या है। वह एक पाप आ जिहदी सजा बड़ी भयानक है। हालेलुया, तुसीं जान लवो कायन ने अपना भरा मारिया सी, मारिया कि नहीं मारिया, कौन सी हो? हाबल। हाबल सच्चा बंदा सी, परमेश्वर के नेड़े रहने वाला बंदा सी, और वो धर्मी सी। ते जेड़ी भेंट कायन लैके आया सी उहदे नाल नाल हाबल भी अपनी भेंट लैके आया, लेकिन कायन की भेंट विच हाबल की भेंट बड़ा फर्क सी। हाबल की भेंट दिल तो सी, प्रभु नूं भाउंदी सी, उहदे मन पसंद सी, लेकिन जो कायन की भेंट सी वह मन की इच्छा ना से। कहता जो सड़िया गलिया सारा परमेश्वर के घर में लैके जाना, वह कि वेखता है, अपने देखना है। ये तो पुजारी ने ले लैना, यह तो जाजक ने लै लैना है, लेकिन बाइबल लिखा गया हाबल की भेंट क्यों ही कबूल हो गई, कायन की रह गई। कायन गुस्से में आया, उन्हें अपने भरा का खून कर दिता, और परमेश्वर ने की पूछा उन्होंने, कहता कायन तेरा भरा हाबल कित्थे है? वह कहता मैं कोई रखवाला है, मैं कोई चौकीदार है, मैंने पता कित्थे गया। लेकिन बाइबल लिखा गया है, परमेश्वर ने कहा देख तेरे भरा हाबल का खून मैंने किया, आप मेरे तो बार बार कर रहे, देखो न्याय की गुहार लगा रहा कि मैनू न्याय दवाओ, मैनू दवाओ न्याय दवाओ। तो प्रभु ने क्या कहता, जरा कायन मारेगा को सत गुना उदिया सत्ता पीढ़ियां तो सत्ता वंशा तो वह बदला लिया जाए। कतल इना खतरनाक है, कतल तुसी कर लेंगे हो, पर आने वाली जनरेशन शराफ चल दिया रहा, शराफ चलदिया रहा, शराफित जो आत्मा है घर चो बार फिर नहीं निकलता है। फिर कहता व्यभिचार ना कर, यह भी एक आम जी गल है जो असं देखते हैं, साढ़े मन में आता है, असी उसनू महसूस करते हैं, असी पाप में डिग जाते हैं। नंबर तीन कहता चोरी ना करना। अगर पूछू कौन कौन चोरी नहीं करता, आप सबने हाथ खड़ा करना है, नहीं करते, पर कितने ना कितने असी जरूर करते हो। हालेलुया, सब तो वड्डी चोरी असीं कित्थे करदे आ, प्रभु दे घर दा दसमास अपने घर विच खांदे आ, और कहिंदे असीं अनंत जीवन जाणा है, असीं कदे नहीं जा सकदे। कोई चोर परमेश्वर दे राज विच प्रवेश नहीं कर सकता। जो परमेश्वर दा है वह परमेश्वर नूं देना है, जो केसर दा है वह केसर नूं देना है। बोलो हालेलुया। इत्थे बहुत लोग बैठे आ, पता नहीं कौन कौन टैक्स भरदा होवेगा, अपनी कमाई का नहीं पढ़ते, वह भी तो चोरी है, वह भी तो चोरी है। बाइबल टेक्निकल पॉइंट देखिए तो चोरी के कई मीनिंग है। अगर असं किसी के खेत चो गन्ना बिना आग्या तोड़ दे किसान की मालिक की आग्या तो वह भी चोरी है, साग तोड़ के लैके आने वह भी चोरी है, पट्ठे वढ़ते वह भी चोरी है, क्योंकि वह मालिक तो बिना पुछे वढ़े है। सही कि गलत? फिर असं कहने असं विश्वासी हैं, असी मसीह हैं, फिर असी मसीह है ज नहीं है, सवाल बनता है, यह सवाल बनता है। मैंने एक बीबी कहती लै ये खाण पीन चीजा है पास्टर जी, ये कहती चोरी है। मैं क्या बाणी लिखा गया तुम चोर हो जे तुसी खान पीन दिया चीजा के उपर भी इदा करते तुसी की हो चोर हो। और बाणी लिखा गया जे असी परमेश्वर के वचन की पालना करिए और असी उहदे सारिया आग्यावां हुक्मां की पालना करिए तो फिर असी स्वर्ग वल नूं जा सकते हैं। कहिंदा झूठी गवाही ना दिओ, तो कई बार गुआंढियां गुआंढियां लड़ाई हो पैंदियां, आपां चुक के बाबे कहिंदे मैं बाइबल दी सौ खाना, मैं कुछ देखिया नहीं, देखिया सब कुछ होंगे, पर सौ कभी खाने असं तो बाबे कहती है तू सौ कहते नहीं खानी, ना धरती की ना आसमान की ना किसी होर शहर की, आप खाते नहीं खाते, तो वह झूठ है, झूठी गवाही है। हालेलुया। वो इस बंदे नूं सारा पता सी, ये बचपन तो मानता आ रहा सी, पर फिर भी इन्हें प्रभु यीशु नूं पुछया वो केड़ियां केड़ियां आज्ञावां आ। प्रभु कहंदे फिर सिद्धे कहंदे आ आ काम तू करदा है ते फिर छड़ दे, नाल ही कहंदा अपने पिता अपनी माता दा की कर, अपने पिता अपनी माता दा कर आदर कर। हालेलुया। बहुत सारे बच्चे अज माता पिता दा आदर करदे आ, वो तरक्कियां पा रहे हैं इस मसीह दे नाम दे विच।
हालेलुया। तो जे आदर नहीं करदे ओह सड़े जे रहंदे आ, ओह दुखी दुखी रहंदे आ, क्योंकि बाइबल लिखिया गया है कि प्रभु ने माता पिता का सत्कार करन दे लिखिया है, उनका आदर करन दे लिखिया है। तुहानू पता मां एक ऐसा शब्द है जो बड़ा मिठा है, बाप एक ऐसा शब्द है जिहड़ा बड़ा कौड़ा है। बच्चे जाते कहते कौन प्यो को, सही कि नहीं सही? मां उन्होंने लोपा लुपची करके अपने नाल जोड़ लेंदे, पर प्यो उन्होंने कदे जोड़दा नहीं। ते बाइबल दा प्यो भी सानू गलत करन तो रोकदा, ते जिस्मानी प्यो भी सानू गलत करन तो रोकदा है। बाइबल दा बाप भी रोकता है कि गलत नहीं करना, जिस्मानी बाप भी कहता है गलत नहीं करना, पर कितने कितने मावां बच्चों के पापा नूं गलतियां नूं केश पाने की कोशिश कर दिया, फिर बच्चे बिगड़ना शुरू हो जाते। अज देखो सब तो ज्यादा जिहड़ी बुरी जां नफरत वाली चीज इस संसार च पाई जा रही है, वृद्ध आश्रम जगह जगह खुल रहे हैं, ओल्ड इज होम, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम तो खोलते खोलते सी, हुण बुजुर्गों वास्ते भी आश्रम बन गए। जिहड़ा बच्चा मां प्यो दी सेवा नहीं करदा घरों कढो, उत्थे जाके जमा करवाओ, पर भुल जांदे बच्चे कि ओही मां बाप ने मैनूं इन जो कीता है कि मैं पढ़न जोगा बनिया है, मैं कोई ऑफिसर लगा है, मैं कोई काम ते लगा आ। कदे भी अपने परिवार दे विच बुजुर्गों नूं जो लगता कि तुसीं काम कर सकदे हो, उन्हां नूं ईवन इह तक कहो कि भाई तू भांडे नहीं धोणे, मैं धोऊंगा, रोटी मैं पकाऊंगा, ओदी मर्जी काम करना करे, पर तुसी अपने वलों पूरा जोर रखो कि अपने बजुर्गों का, अपने माता पिता जां तुसी खड़े अपने पैर तो जांदे हो, उन्हां नूं किसी चीज दे विच शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता है, वो बाहर जाते हैं अपना अपने वास्ते पति पत्नी खा लेंगे, तो मम्मी वास्ते डैडी वास्ते की है, वही घर च रात की दाल होंगी वो खा के गुजारा करते हैं। कि जो तुम बाहर खाते हो तुम्हें याद होना चाहिए, पिता पूरा दिन बाहर काम करता, रात को घर आने लगे थोड़े वास्ते फ्रूट लैके आता, वो बाहर नहीं खाता सी, थोड़े वास्ते लैके आता सी, पर बच्चे इस चीज़ को नोटिस में नहीं लैके आते। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈ ਜਾਵੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, है कि नहीं? असीं यीशु मसीह वास्ते उपवास करिए, जो मर्जी करिए, जे तुहाडा अपना पिता तुहाडे तों परेशान है तो वह भी परेशान ही है, क्योंकि उन्हें तुहानू पिता धरती उपर ताकि तुसीं उन्हें खुश रखो। बोल हालेलुया। और वह कहिंदा कि अपने माता पिता करो आदर करो, और उन्हें सुनिया और उसने कहा कि इन सबको तो मैंने माना, अब मुझसे किस बात की घटी है? कहता है मैं सारिया गल्ला मान ली हुई, पर हुण मेरे च कमी कित्थे है? आ तो पूरियां कर लिया मैं, उन्हें पूरियां कर लिया होनियां, ताइयों ने क्या प्रभु के सामने, क्योंकि कोई प्रभु सामने झूठ बोल सकता? क्यों भला ठहर झूठ सकता? हनानियां सफीरा ने झूठ बोलिया किहदे सामने? परमेश्वर दे दासां दे सामने, प्रभु दे सामने बोलिया, परमेश्वर दे दासां सामने बोलिया, ते उन्होंने कहा हनानियां क्यों तू परमेश्वर दे विरुद्ध झूठ बोलन लई मन बनाया होया है, क्यों तेरे मन च शैतान समाया होया है? वो उत्थे ही डिग पिया, उत्थे ही मर गया। ओदी पत्नी आई, उन्हें भी ओही भाषा बोली, वो भी डिगी, उत्थे ही मर गई। गल कहदी सी जो जमीन वेची सी उस पैसे का कपला सी, परमेश्वर के पैसे नाल कदे कपला? बोलो परमेश्वर के पैसे नाल कदे कपला? जे तुहाडा दशमास 10 रुपए बनता तो वह प्रभु के घर विच भेजना है, तुसी 10 दे के भी 10 लाख दे मालक बन जांदे हो, क्योंकि वह कहना भी तुहानूं 100 गुना नहीं 1000 गुना बरकत देना चाहता है। बोल हालेलुया। 10 गुना नहीं 1000 गुना बरकत देना चाहता है। किन्ने लोग अज बरकत पाना चाहते पर बरकत मिल नहीं पा रही है? अपने जीवन दे विच परमेश्वर का पैसा अपने घर विच कदे भी उपयोग नहीं करना। तुसी करोगे एक दिन बहुत ज्यादा तुहानूं देना पै सकदा, कई गुना ज्यादा तुसी दे सकदे हो, बाद विच डॉक्टर ले जाएंगे, पुलिस ले जाएगी, वकील ले जाएंगे, कितने होर लग जाएंगे, लेकिन जे प्रभु का पैसा प्रभु के घर में आएगा, वो वचन दसदा है मैं तुहानू 1000 गुणा वधाउणा चाहुंदा है।
हजार गुना, थाउजेंड टाइम। ये वचन मैं अपने जीवन समझाया, खुदावन मैं किन्ने गुना वधना, मैं रोज दुआ करता मैं हजार गुना वधना। मेरी प्रार्थना होती है मैं कभी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोले कि मेरे लिए आ नहीं है, मेरे लिए ओ नहीं है, मैं हमेशा पॉजिटिव करना होना कि मैं वधना आया, मैं वधना आया, मैं वधना आया। और प्रभु उदा ही बधाई जा रहे। एक दिन मैं एक चर्च में देखा वड्डी सारी मोबाइल क्रेन लगी हुई थी, वो चुक चुक के ना ऊपर समान बिल्डिंग के ऊपर रख रही थी, तो मैं उसकी फोटो देखी फेसबुक के ऊपर। मैं खुदावन तू जे इस प्रभु दास का परमेश्वर तो मेरा भी हुई है, मेरे चर्च में भी मोबाइल क्रेन एक दिन आनी चाहिए। और प्रभु ने 2021 मोबाइल करेन के द्वारा साड़ी चर्च की छत उत्ते जिहड़ी सी उह कैंचियां रखा लोहा चाड़न वास्ते मंगा दित्ती। प्रभु जल्दी जल्दी प्रार्थना सुनता है, दूर नहीं रखता, पर साड़े दिल प्रभु तो की है, बड़े दूर है। असी बुलां दे नाल धन्नवाद करदे आं, होठां नाल धन्नवाद करदे आं, पर दिल उह तों बहुत दूर रखदे आं। मैनूं अज तुहानूं इह कहिण लगे कोई झिझक नहीं है, अपना दिल प्रभु नूं दवो, क्योंकि तुहाडा दिल ही परमेश्वर दा की है मंदर है। हालेलुया, थोड़ा दिल ही परमेश्वर का की है मंदिर है। चर्च बनिया इट्टां दा बनिया होया है, इनू कलर लगता है, इहदा पेंट खराब होंदा है, इहदे मैट खराब होंदे है, क्यों होंदे है, ज्यादा यूज च होंदे है। जे थोड़ा दिल खराब हो गया ना तो फिर इत्थे परमेश्वर निवास ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕੋਈ ਲਿਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦਵੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਹੋਣ ਦਵੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਵੋ, ਤਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੰਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ, ਮਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਝੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਲੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇ ते तू मेरे मगर आ जा, तेन धरती दे पर ते स्वर्ग दे विच अजिहा धन मिलेगा जिहड़ा कदे खत्म नहीं होवेगा, जिन्हों कदे कीड़ा नहीं लगेगा, जिन्हों कदे जंगाल नहीं लगेगा, जिन्हों कदे चोर चुराएगा नहीं। तेन अजिहा एक धन मैं देन दे लई जा रहा। किन्ने लोग वो धन प्राप्त करना चाहते? हालेलुया, वो तुहानू पता की है? मन की संतुष्टि। सब बोलो की है तुहानू की मन की? बोलो ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਜੱਗ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੱਗ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਕਿ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਪੈਸਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁਜਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਵਟਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਆਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਦਵਾਰ ਕੀ ਆ ਹਿੱਟੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ? ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਅੰਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਫਸਟ ਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜੌਬ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਏ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੰਪ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਥੇ ਗਵਾਇਆ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟੇ ਗਿਆ ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ अगे ना जा। मैं दो बार आवाज सुनी ऊपर से झाती मारी कोई बंदा नहीं सी बंदे की जात नहीं सी कोई बस नहीं कोई कार नहीं कोई ट्रक नहीं कोई बाइक नहीं कुछ नहीं सिर्फ मैं ही कला साइकिल ऊपर सी जो तीसरी बार आवाज पई मैं घबरा गया पिछे साइकिल मोड़ के सीधा अपने चर चला गया मेरे पास्टर को चला गया और मेरे पास्टर जी अपने अंदर प्रार्थना कर रहे थे और वचन उन्होंने खोलिया हुआ सैमुअल की बलाहट उत्ते मैं जिदा अंदर इंटर किया मैंने कहते बड़े घबराए हुए हो पानी पियो मैं पानी पीता मैंने कहते बच्चे की होया मैं कहते बहुत घबराए जे मैं क्या जी हाँ जी बहुत घबराया मैं कहते क्यों मैं क्या मैं तीन आवाजा पईया पता नहीं कौन सीगा ना उत्थे बंदा सी ना कोई लभदा सीगा ते मैं डरदा मारा पिछे मुड़ के कहता तन्नू कहता आवाजा आवाजा नहीं पईया तन्नू प्रभु ने सैमुअल की बुलाहट दे नाल ब्लैस किया तू सेवा करेगा प्रभु की मैं क्या सेवा करूंगा मैं क्या पास्टर जी मैं सिर्फ आई सकता हाँ बोल कुछ नहीं सकता पता है मैं तो प्रार्थना भी नहीं कर सकता मैंने गवाही देनी नहीं आती मैं कितना प्रचार करूंगा मैं पता नहीं कितना करना कहता वो सब सिखाएगा जिन तेन के पिछे मोड़िया उ तो प्रार्थना की दोपहर का वेला अपने घर गया जाके अपने फादर को कहा कि मैं सेवा करनी है वो कहते तू घरों बहर निकल जा तेन जॉब से भेजे तू सेवा निकल गया और मैंने उन्होंने साफ साफ किया कहते जे तू पास्टर बनिया जे तू पादरी बनिया तेन घरों कुछ नहीं मिलना सानू पता ही नहीं सी ये हुंदा की है कि बाद च पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना पर उस समय जोश बोलता जी कुछ ना दो चाहे ना दो पर मैं सेवा करनी मैं पास्टर बनना ही बनना है और तुसी जानदे हो जो मैं ट्रेनिंग करने लई प्रभु की सेवा लई वचन सीखण लई गया मैनू घरों 10 रुपये किराया नहीं मिलिया सी मेरे ताए जी दे लड़के ने मेरी जेब विच उस समय 200 रुपया पा के मैनू पढ़न लई भेजिया सी और मैं घरों एक पेन शीट लै गया सी एक बैडशीट लै गया सी और मैं करीब 3 साल प्रभु दे वचन दी पढ़ाई की मैं जॉब छड्डी सी अपना माल छड्डिया घर छड्डिया अज परमेश्वर ने इन्ना दिता है कि शायद वो मेरे पिता जी कमांदे कमांदे इन्ना ज्यादा ना बना सकते जिन्ना प्रभु ने मैनू पिछले 10 सालों में बना के दिता 10 सालों में हालेलुया करोड़ों रुपया का जो चीजा है प्रभु ने सानू के दित्तिया पर असि वो साडिया नहीं मानते वह प्रभु दियां है वह कहदियां है ना तो नाल तो ना मैं खेलनिया ना किसी होर ने खेलनिया मैं तो सिर्फ अपनी जान बचा लवा वह बहुत वड्डी गल है विश्वासी नू चीजा दे मगर दौड़न की बजाय प्रभु की आग्ञा की पालना करनी बहुत जरूरी है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਕ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜੌਬ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੱਤੀ ਦੀ ਜੀ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 33 ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਆਣਾ ਜੌਬ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ सोना भी आना है बाहर भी तुसी जाओगे तुसी ब्लेस होवोगे तुसी अपने नगर विच हालेलुया सब तो उच्चे किते जाओगे क्योंकि भविष्यता सार 28 अध्याय विच परमेश्वर ने कहा मैं तुहानू धरती दीआं सारीआं कौमां तो उच्चा कर देना है पर करने की पैणा आज्ञावां की करने पैणा आज्ञावां हां हुक्मनामा परमेश्वर दा मनने पैणा जब तुसी अमीर होंदे हो तुसी उच्चे होंदे हो लोग कहंदे आ इन्हां नूं चर्च वाले ने पैसे दित्ते तां अमीर हो गए और तुहाडे कोल असीं लन्ने आ दिन थोड़ी है पता ही नहीं लोगों हालेलुया आप कलीसिया को लैके प्रभु के घर बनाने सानू पैसा नहीं चाहिए होंगे सानू प्रभु की ग्रेस चाहिए है प्रभु की कृपा चाहिए है जेदे बारे संत पौलुस हालेलुया दूसरा कुरिन्थियों विच कहता है तेरी कृपा मेरे लिए बथेरी है तेरी कृपा मेरे लिए किया तेरा फजल मेरे लिए किया बहुत है मेरे सामने जो संदेश है तेरा फजल मेरे लिए किया काफी है जिन्होंने फजल मिल गया पिछे गिरान दौड़
ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਧਨ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਰਾਜ ਪਾਠ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ऑफर करना है कि नहीं है कहिंदा चुक के प्रणाम कर दे एक बार चुक के एक बार प्रणाम कर दे मैं तेनू धरती दियां सारियां हुकूमतां सब कुछ तेरे किया थल्ले पैसले कर दूंगा प्रभु ने लिया प्रभु कहिंदा नहीं 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 ये नहीं ये लिखा गया है तू अपने पिता परमेश्वर तो इलावा किसी जगह दंडवत ना कर शैतान शर्मिंदा हो गया असी शैतान अपने वैरी नूं शर्मिंदा करना है प्रभु दे हुक्मां दी पालना करके कदे सिर झुकाना नहीं सिर कटिया जावे वड्या जावे पर ये झुकना नहीं चाहिए क्योंकि ये अमानत है किसी दी किहदी अमानत है सब बोलो किहदी अमानत है हाँ जी तुसी गीत नहीं सुने मेरा सिर है अमानत यसू दी दर दर ते चकाया नहीं जांदा जिरा साडे बदले जान देवे मुख उस तो लुकाया बोलो मुख उस तो लकांदा कौन है मुख फिर जिन्ने ओदी आज्ञा तोड़ी हुंदी है आदम ने मुंह लका लिया सी लकाया के लकाया साऊल ने मुंह लका लिया सी दाऊद ने मुंह लका लिया सी की करना आज्ञा तोड़न दे नाल पर सैमुअल रात दे वेले जदों नूं आवाज आई सैमुअल उठ कि भजया एली कोल स्वामी तू मैंने बुलाया नहीं नहीं तेन बुलाया जा तक सो जा फिर आवाज आई सैमुअल वो फिर उठे गया वफादार से अपने मालिक का वफादार से अपने पास्टर का कहिंदा स्वामी तू मैंने बुलाया वो कहिंदा हुण सुन ठहर मेरी गल जे तेन तीजी वार बुलावट आवे ना हुण ये ना कहीं कि मेरे भजी वो कहीं हां गुरु जी प्रभु जी बोलो मैं हाजिर हूं सानू हमेशा प्रभु की आवाज सुनने लिए तैयार रहना चाहिए और उन्हें क्या अपने पड़ोसी अपने जिहा प्यार कर कितने लोग अपने पड़ोसियों गुआंढियों प्यार करते हैं बहुत घट करते हैं है ना थैंक यू सर बहुत घट करते हैं मरदा कूड़ा इधर आ जाए असं मिंटो मिंट करते हैं बाहर बावा कट के आ जाने कहते थोड़ा कूड़ा सुटा क्यों गली में लड़ाई करते असं है मसीह है लड़ते मसीह नाल है वो थोड़ी लड़ाई आपस थोड़ी है थोड़ी लड़ाई वैरी नाल है तो वैरी कोई मनुख थोड़ी है वैरी शैतान है जिसे सारे हथियार असं खुंडे करने तो असं प्रभु के सारे शस्त्र बस्त्र पहन के जंग के मैदान में उतरना है आपस लड़ना कुछ नहीं मिलना अज पास्टर आपस लड़ते रहते हैं वो कहता मेरी किस्सा खराब कर दी कहता मेरी किस्सा खराब कर दी कहता मेरी किस्सा पर है के सारे इको जी जे ओदी खराब हुई मतलब उन्हें किसी की खराब की भेडा चोरी कर लेना सी तो मैं बिटले गया कहता चंगा चरवाहा द्वार राही अंदर आंदा पर जरा इधरों उधरों चढ़ के आंदा ओ कौन है सब बोलो कौन है डाकू ते असी डाकू बनना कि चोर बनना सेवका नु चरवाहा बनने वास्ते बुलाया गया है की बुलाया गया है चरवाहा चरवाहा अपनियां भेडां दी रखवाली कर ले ये बहुत वड्डी गल है हालेलुया सारी उम्र सेवा करते रहना सारी उम्र अपने गोडे घसांदे रहना प्रार्थना करके और अंतिम दिनां च प्रभु पुछे मैं तैनू नहीं जानदा तो फिर की कहोगे असीं फिर कुछ बनूंगा फिर कहोगे प्रभु मैं भूत कढ़दा सी ओह कढ़दा होना भरावा पर तू जिहड़ी मेरी आग्या सी ओह ते नहीं मन्नी मैं बीमार चंगे कीते ओह कहिंदा कित्ते होणगे पर तू मेरी आग्या ते नहीं मन्नी मैं भविष्यवक्ता सी ओ कोई होवेगा पर तू मेरी आज्ञा ते नहीं मननी बाइबल कहती आज्ञा दे विच रहना बहुत सब बोलो बहुत जरूरी है हालेलुया ये बहुत जरूरी है ओदियां आज्ञावां मननियां अनंत जीवन एदा नहीं मिल जाना अनंत जीवन देन दे लई प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस दे उपर तुहाडे लई अपना पवित्र लहू बहाया है ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇਪਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ
ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ 39 ਕੋੜੇ ਵੱਜੇ ਆ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਲ ਟੁਕੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਲ ਟੁਕੇ ਆ ਨਿੱਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕੰਦਰ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ पूरा मतलब है मर गए नहीं पूरा मतलब सी मैं थोड़ी सारियां दे पाप की कीमत अदा करती है हुण तुसीं मेरे मगर आओगे जिथे मैं होवांगा तुसीं उत्थे होवोगे हालेलुया आज प्रभु कितने हैं स्वर्ग में है असी कितने होना है स्वर्ग में होना है वो पद को किया अनंत जीवन असी की पाना अनंत जीवन पर की करने पैना आज्ञावान की पालना करने पैना आज्ञावान की पालना करने पैने जे असी आज्ञावान की पालना ना की तो कुछ प्राप्त नहीं होवेगा वो कहता कि सारा माल बेचते वो एक गल सुन के कहता अच्छा ये तो औखा ही है अपनी मज बेच के चर्च पैसे दोगे दे सकते हो औखा है ना अपना साइकिल बेच के पैसे दे सकते हो क्यों भला औखा है करना इन्हू भी औखा लगा लेकिन यह तो औखा है चल प्रभु कोई नहीं फिर बाद गल कर दे मैं चलिया उदास होके उतो किया बाहर निकल गया और बाइबल लिखा गया जो उतो बाहर गया तो प्रभु के चेलिया ने प्रभु ने अपने चेलियां नूं कहा मैं थानू सच आखदा मतलब पहले क्या परमेश्वर सच्चा है और वो सच ही बोलता है सब बोलो सारे बोलो परमेश्वर सच है ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਸਾਹ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾ ਲਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤਰ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ वो शेर ही होता है बोल हालेलुया वो कदे बकरा नहीं बन सकता कदे बकरी नहीं बन सकता वो शेर ही होता है तुसी शेरां दे शेर दे बच्चे हो उहदा नाम प्रभु यीशु मसीह है बोल हालेलुया है ना बोलो परमेश्वर सच्चा है और सच ही बोलता है प्रभु ने कहा चेलों नूं कहिंदा मैं तुम्हें सच कहता हूं कहिंदा धनवान दा स्वर्ग राज विच प्रवेश करना कठिन है ऐसे मरे दुनिया के उपर दिल नहीं लगाना एक बहुत पुराना जबूर गांदे रहे सी है चार दिन का जहां रहन बसेरा ना मैं किसी का ना कोई है कोई साथी अपना कोई ऐसा बंदा है अच्छा कोई बंदा रुस के जावे ना अपने घरों तो असीं बाह फड़ के 50 बंदे पिछे नूं मोड़न दी कोशिश करदे आ वापस आ जा ना रुस के जा ते बंदा मर जाए फिर कोई मोड़ सकदा बोलो कोई मोड़ सकदा ना अपना मोड़ सकदा ना पराया मोड़ सकदा ना उहनूं तुहाडे आखे कदे मोड़ना ही है प्रभु दा वचन दसदा है कहिंदा धनवान दा परमेश्वर दे राज विच वड़ना किन्ना कठिन किन्ना औखा है और तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट के ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है हुण किन्ने लोग यह विश्वास करते कि सुई दे नाके चो ऊंट निकल सकता है कदे काट के देखे ऊंट दसो ये सौखी गल है क्या औखी गल पास्टर जी हाँ जी बोलो सौखी क्या औखी साढ़े वास्ते औखी है ना बोलो साढ़े वास्ते औखी है ना पर ओदे वास्ते सौखी ओदे वास्ते की है सौखी है जी ओ चार दिन दे लाजर नूं कबर दे उपर जाके दा लाजर उठ बारा ते ओ ते मुर्दा सरियाद दा भर गया सी ओदे ते मांस भी चरना शुरू हो गया होणा शेक हो गए होणे आ हड्डियां नूं लगण कीड़े लगे होणे आ पर फिर भी लाजर उठिया जदों बाहर आया ओदे मांस विचों अपने सरियाद नहीं आई कफन उतारिया गया लाज दा दव्या सीगा लाजर फिर ओदां दा वापस आया
जो चार दिन दे लाजर नू साबत बार कर सकता है तो उदे लई ऊठ दे ऊठ दा सुई दे नक्के विचों कढ़ना कोई औखी गल नहीं है। यह मनुखां लई तो असंभव है, मुखां लई तो औखा है, पर परमात्मा जिन्हें स्वर्ग बनाया, जिन्हें धरती बनाई, जिन्हें चांद बनाया, जिन्हें सूरज बनाया, जिन्हें तारे बनाए, जिन्हें मीह बनाया, जिन्हें धुप बनाई, उहदे लई सब कुछ हो सकता है। बोलो हालेलुया। आज दुनिया कहती सारे दुनिया प्रभु यीशु मसीह दे मगर चल रही है, यह होनी है क्योंकि हन्ना काइफा ने भी कहा सीगा कहंदा तुहाडे कोलों कुछ नहीं हो रहा, वह भी धर्म दे गुरु सी, तुहाडे कोलों कुछ नहीं हो रहा, पूरा संसार प्रभु यीशु दे मगर मगर हो तुरिया, अज अजे तो कुछ नहीं, आने वाले दिन देखियो। हालेलुया, पूरा संसार का घुटना प्रभु यीशु दे सामने झुकने वाला है, हर एक जबान अंगीकार करने वाली है यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। ये दुनिया का हर बंदा अपनी जबान तो अंगीकार कर जा रहा है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, तुसी नहीं कह रहे, प्रभु का पवित्र कलाम कह रहे हो, कहता आकाश टल जाना, जमीन टल जानी है, लेकिन प्रभु के आखे हुए मुंह के वचन कदे टलने, कोई जिन्ना मर्जी विरोध कर ले, कोई जिन्ना मर्जी रोकने की कोशिश कर ले, बट टाइम विल कम, समा आ रहा है जो हर जबान अंगीकार कर रही है, जो हर गोडा नवाया जाने वाला है और दुनिया प्रभु यीशु दे सामने झुकने वाली है। दो साल पहले कोरोना आया, इंसान दी बड़ियां गड्डियां रुक गईं, ट्रेन, जहाज, मेडिकल लाइन, बैंक, फैक्ट्रियां, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, सारे बिजनेस क्यों गए, रुक गए जिहड़े इंसान ने शुरू किए हुए थे। सही है, कोई बाहर निकलता सी तो, ईवन कोई अपने बच्चों के नाल हाथ मिलाण वास्ते बड़ा औखा सी, विदेशों के विचों एक न्यूज निकलती है कि कोई कोई अपनी पत्नियों नूं, कोई अपने पतियों नूं स्पर्श करना चाहता नहीं है, क्योंकि कई पता किच कोरोना वड़िया होया, तुहानूं पता उन्हां दिनां दे विच परमेश्वर दी हवा नहीं रुकी, उहदा सूरज नहीं रुकिया, उहदा चांद नहीं रुकिया, उहदी रात नहीं रुकी, उहदा दिन नहीं रुकिया, उहदा मीह नहीं रुकिया, उहदी गर्मी नहीं रुकी, रुकी, उहदा सारा सिस्टम चलदा रहा, लेकिन मनुख दा सारा सिस्टम उहने बंद कर दिता। क्यों पता? वो कि मनुख जो है वो अलग चीज है, परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, और ओदे नाल कोई मत्था ला के बच नहीं सकता है, कोई ओदा विरोध करके बच नहीं सकता है। वो कहिंदा कि हालेलुया, जिन्ना तुसी दुश्मनां नूं अज देखदे पे हो, भविष्य विच तुसी कदे इन्हां नूं नहीं देखोगे। किन्नू कहा? मूसा नूं कहा, इजराइलियां नूं कहा, ओदी लाठी दे नाल तां समंदर दो भाग हो जांदा। हालेलुया, वो ऐसा परमेश्वर है, 40 दिन दे रस्ते नूं 40 साल च बदलदा, ते 40 साल विच इसराइलियां दे कपड़े पुराने नहीं हुंदे, फटदे नहीं, उहनां दी चप्पल घसदी नहीं। देखो किन्ना तगड़ा ते किन्ना महान परमेश्वर है, जिहड़ा तुहाडे कपड़िआं नूं 40-40 साल तक बिना धोते, शायद बिना धोते हुए भी वह फटन नहीं दिंदा, पुराने नहीं होण दिंदा, वह इन्नी ताकत रखता है, उहदी आज्ञा मन्नी पैणी है। उहदे लई ऊंट दा सुई दे नक्के विचों निकलना सौखा, पर मेरे लई और आप लई औखा हो सकता है, मेरे लिए और आप लिए औखा हो सकता है। बोलो हालेलुया। चंगाइयां कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। तुसी वेख्या ना, कैंसर दे लोग चंगे होंदे, वीर चेयर तो लोग उठ जांदे आ, डॉक्टर कहंदे ते गुर्दे अपने इहदे चूले बदलने पैणे, ते गोडे बदलने पैणे, इहदा ऑपरेशन करने पैणा, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ एक चुटकी नाल टच करदे ही बंदा उठ के खड़ा हो जांदा। क्यों भला? उहदे च ताकत है, ऊंट नूं सुई दे नक्के चो कढ़न ताकत रखदा, जिहड़ा ऊंट नूं सुई दे नक्के चो ताकत कढ़ सकदा है, उह तुहाडियां समस्यावां, तुहाडियां बीमारियां दा भी हल करन विच की आ, बोलो ताकतवर है। हालेलुया, तुहाडियां प्रॉब्लम नूं हल करन विच ताकतवर है, इसलिए कदे विश्वासी अपने आप नूं निराश ना समझे। जब प्रभु के घर जाना कदे बहाना नहीं मारना, अज मामे ने आना सी, ताए ने आ गया, चाचा आ गया, नानी आने वाली है, जो मर्जी आए, जो मर्जी आए, एक जोर रखो। दाऊद ने कहा, मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे आओ खुदा दे घर चलिए।
हालेलुया एतवार तुहानू विआह नालों ज्यादा चाह होवे कि असीं अज कित्थे जाणा प्रभु दे घर विच। और इह वी नहीं कि मैं चलिया मैं जाणा 10 मिंट दान पा के बाहर आ जाणा, नहीं, जद तक आखरी प्रार्थना नहीं हो जाती, बरकत का कलमा नहीं पढ़िया जाता, अपने पास्टर नूं हैलो नहीं कर जाते, अपनी सिस्टर नूं मिल के नहीं जाते, तद तक वापस नहीं जाना। तुहानू पता संडे दा जिहड़ा अनॉइंटिंग हुंदा है ना, अनॉइंटिंग हुंदा है वो पास्टर दे हथ विच हुंदा है, तो जदों उहनूं छूंदे हो वो अनॉइंटिंग तुहाडे हथ विच जांदा है, तुहाडे जीवन असंभव नूं संभव करन दी शक्ति रखता है। और चेलिया ने जदों इह गल्लां सुनियां और चेले भी हैरान हो गए कि किदां हो सकदा है। वो चेले जिहड़े नाल नाल चलते सी जिन्हें देखिया 38 साल का बंदा चंगा हो गया, 12 साल का लहू बह वाली और चंगी हो गई, अन्नियां अखा खुल गई, कोड़ी शुद्ध हो गए, लंगड़े चलन लग पे, बहरे सुन लग पे, गूंगे बोलन लग पे, बड़िया चमत्कार देखने वाले लोग भी कह रहे हैं ये हो सकता है। वो नैनवे शहर की विधवा औरत जो मुंडे नू अर्थी लैके जा रहे थे, यीशु ने अर्थी नू छुया, बच्चा जिंदा हो गया। वो देखिया चेलिया ने पर फिर भी कहते हो सकता, हो सकता है जे थोड़ा विश्वास प्रभु ये यीशु मसीह के नाम विच है। बहुत लोग कहते मेरा विश्वास बहुत तगड़ा है, प्रभु तगड़े विश्वास की गल नहीं करता, कहिंदा राई दे दाने जिन्ना विश्वास, किन्ना विश्वास बोलो, राई दे दाने जिन्ना विश्वास पहाड़ा नूं हटा देने की ताकत रखता है, पहाड़ा नूं हटा देने की ताकत रखता है, समंदर नूं दो भाग करने ताकत रखता है। हालेलुया, एलिया वर्गे नबी चादर मार दिया पानी दो भाग कर देने की ताकत रखता है। तुहाडा फेथ बहुत वड्डी चीज है। चेले भी हैरान हो गए और कहते फिर के उधार होना है, कि मुक्ति होनी, प्रभु जे धनी नहीं जा सकता तो मुक्ति कहती होनी है, धन के पिछे सब दौड़ते पे, मैं भी तुसी भी दुनिया सारी किधर धन के पिछे दौड़ी फिर दी है। जिहड़ा इत्थे नहीं सरदा वह दुबई जांदा, जिहड़ा दुबई नहीं सरदा वह कुवैत जांदा, जिहड़ा कुवैत नहीं सरदा वह यूरोप जांदा, जिहड़ा यूरोप नहीं सरदा वह कहिंदा जी मैं फॉरन चल जावां। बंदे दी दौड़ इन्नी लगी होई है कि गां तो गां, गां तो गां, गां तो गां, गां तो गां चलिया जांदा है। ते सतपा रंगीला जी ने गीत गाया कहिंदा धन कमाउणा तेरा असल निशाना है, एवें ना मल्ला मार देश, दौड़ बहुत लगाई हुई है, लेकिन एक दौड़ पौलुस कहता कहता मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका है, मैं अपनी दौड़ मैं इनाम वास्ते दौड़ता पाया, कि दौड़ता पाया इनाम वास्ते, इनाम की है अनंत जीवन सदीपक जीवन। अज मैनू और आपनू दौड़ने लेके कहेगा सदीपक जीवन, दौड़ दौड़ने असीं ताकि असीं जीवन प्राप्त करिए जिहड़ा जीवन सानू ना मिल सके। मैं जल्दी जा रहा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा, और बंज लिखा गया है कि वह कहते फिर किहड़ा उधार होना है, तो प्रभु यीशु ने उन्होंने ओर देख के कहा कहिंदा जिहड़ा मनुखां तो नहीं हो सकता वो परमेश्वर तो हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सब कुछ छड़ के तेरे पीछे हो ले हैं ते सानू की मिलेगा। 1994 च मैं अपना घर छड़ता सी, बाप दे वल देखिया नहीं, भरावां वल देखिया नहीं, मेरा घर घर सी आ हुण तक सी, पर आपां हुण उह सेल करता सारा कुछ, क्योंकि डैडी डैथ हो गई, मम्मी डैथ हो गई, वड्डे भरा दोनों डैथ हो गई, और सारा कुछ जदों उत्थों सारे बच्चे मेरे को सारे आ गए तो वह आ साडे काम दा नहीं सीगा, आपां हुण उहनूं सेल कीता, ना डैडी लै जा सकिया, ना मां लै जा सकी, ना मेरे भरा लै जा सके, अज असीं उहनूं किसे होर नूं हैंड ओवर कर दित्ता, क्योंकि धरती उत्तों चीजां चुकन दा समा नहीं है बल्कि स्वर्ग विच जमा करन दा समा है। हालेलुया, धरती उपर चुकन दा समा नहीं पर स्वर्ग विच जमा करन दा समा है। तुहाडे एटीएम विच अगर पैसे है तुसी एटीएम कार्ड यूज कर सकते हो, अगर तुहाडे एटीएम कार्ड विच पैसे ही नहीं है तुसी उहनूं यूज करन दे लायक नहीं हो, मशीन जाओगे पाई जाओगे
अपना पासवर्ड लगाओगे पर्ची बाहर आनी है बैलेंस का नहीं, फिर पाओगे फिर कटोगे फिर पाओगे फिर कटोगे, एक ही जवाब आना बैलेंस नहीं है। तो जे स्वर्ग में किसी को जोड़िया नहीं उत्थे जाके कहना पासवर्ड लगाओगे उत्थे पर्ची आनी है, कुछ भी है नहीं कुछ भी है नहीं कुछ भी है नहीं। इसलिए स्वर्ग में जोड़ना शुरू कर दे अज तो, हालेलुया। धरती का धन तो मिलना नहीं पर उपरला धन सानू जरूर वड्डे लैवल ते मिलने वाला है। वह धन जो कदे समाप्त नहीं होना, वह धन जिन्हों चोर नहीं चुरा सकता, वह धन जिन्हों केड़ा नहीं लगता जिन्हों जंगाल नहीं लगता है। इसलिए प्रियो प्रभु दे चेले ने पत्रस ने कहा मैं सारा कुछ छड़ के तेरे पिछे आ गया मैनू की मिलने वाला। मेरे मन भी प्रभु असं सारा कुछ छड़ के तेरे मगर आ गए हूँ, असं किराए से बैठे हुए हैं, साढ़े को एको ही बैड आ फोल्डिंग बैड आ, असी स्टोव बाल बाल के रोटी पका के खाते पे हैं। और एक समा इदा आ गया, मैं गुआई दस रहा एक समा इदा का आ गया मेरे लाइफ में, साड़ी मैरिज नवी नवी हुई, साढ़े को एको बैड से साढ़े गैसट मेरे फादर ला मेरे ब्रदर ला अचानक साढ़े को आ गए। रात का वेला से गर्मियों दिन से पखा भी एको सी भी सी वो यदा पहला पखा होंगे रहा टेबल फैन निका जहा। रात का वेला से गर्मी का दिन से अमृतसर का वेला, अमृतसर वैसे ही बहुत गर्मी हो जितने सिरंदे से उत्थे घमेरा का महला से भट्ठिया बलदिया होंगे सी रात दिन। और जो वह आ गए असं उन्होंने पखा दिता बैड दिता वह बार आराम न सो गए, असं देखिए पास सोना कितने और आप असी अखबार थले पा के बैड सीट नहीं सी अखबार पा के थले सुते और सोने समय असी घुटने टेके प्रार्थना की और जिदा ही प्रार्थना करते अखबार भी पाट गए और असी परसीनो परसीनी भज गए। वो रात असी थले सुते उस तो बाद प्रभु ने सानू कदे थले नहीं सौ दिता। हालेलुया। इवन असी बहुत सारे चर्चस नू बहुत सारे सेवकों बैड डोनेट किए हैं, उन्होंने असं हैल्प की है कि तुम थले नहीं सोना उपर सवो। एक समा थोड़े लाइफ च आता है जब प्रभु तुम्हें कहता है इतने नीवी होने की लड़ है, जो जितने नीवे होंगे हो नैक्सट डे प्रभु तुम लैवल में उच्चा करना शुरू कर देता है। और प्रभु ने 2000 हालेलुया 2000 सन के असी नीवे होकर रात रोए और प्रार्थना की परसीनियों परसीनी होए अखबार भी गल गई लेकिन उस तो बाद प्रभु ने सानू कदे भी थले नहीं सौन दिता। मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष कदा किया, आप दोनों एक हाथ मैं फड़ता सी एको फड़ते मैं मैडम फड़ते आप झूठे जिंदे हुए 20-20 किलोमीटर चल के असी आराधना और प्रार्थना और प्रचार किया अमृतसर क्योंकि अमृतसर उस समय 25 किलोमीटर बसा हुआ पर अज तो वो हदां बहुत वध गई 25 किलोमीटर असी पैदल चल चल के परचा बंडिया प्रचार किया उत्थे कलीसिया स्थापित की। मेरे मेरे उस समय उत्थे एक पास्टर जी को सौंप के आए, अज प्रभु दास इस संसार च नहीं है वह सो गया परंतु प्रभु गवाह है कि असी उस जगह जो आए हाँ आप उतो कोई समान लैके नहीं आए ना ढोलकी ना बर्तन ना दरी ना कोई कुछ कोई बैड असी जो अपने नाल पहनने वाले कपड़े से उही लैके आए थे। जो आप दुआ चल छड़िया बेशबा का उदों में असी कुछ नहीं लैके अपने पीन वास्ते असी स्टील के गिलास नहीं प्लास्टिक के गिलास सानू किसी ने गिफ्ट किए थे असी वह लै गए और 3 महीने असी उन्हां च पानी पीता। अज खुदा की कृपा तुसी घर आकर देख लवो मेरे घर च बर्तनों की कमी नहीं मेरे चर्च बर्तनों की कमी नहीं। प्रभु दीन वाला परमेश्वर है पर थानू ओदे नाल चलने पैना ओदियां आग्ञावां च बने रहने पैना है। कहिंदा मैं सब कुछ छड्ड के आ गया मैनू की मिलना, भाई मैनू तो बहुत कुछ मिलिया सब तो वड्डी गल मैनू जीवन मिलिया जो पैसा नहीं दे सकदा जो डॉक्टर नहीं दे सकते। पास्टर दस रहे सी मेरी वाइफ के बारे में कि जो उन्होंने ऑपरेशन होया पहला ऑपरेशन 2004 फरवरी 17 होया ब्रेन का ऑपरेशन सी ब्रेन ट्यूमर आ गया सी इन्हां दे और डॉक्टर ने इन्हों डेड कट करता सीगा और एक करीब करीब 1.5 घंटा जिहड़े आ डेड रहे आ हॉस्पिटल दे विच और उस दरमियान सारी निराशा फैली हुई चर्च लगे पता कि पास्टर जी की वाइफ मर गई है। सब लोग अपने घर में बैठ गए वो प्रार्थना कर लग पे निराश हो गए मैंने कॉल सा लग पे लोग मेरे को हॉस्पिटल आने लग पे हम उन्होंने गल कही मैं एक साइड तो बैठो अजे मैं अपने पिता ना गल कर रहा। मैंने कहा जे इन्नी छोटी उम्र च इदा करना तो विआह ही लेट कसा करवा पहले कदों करवाना से 4 साल की उम्र उदो बेटे की उम्र से 4 साल से बेटे की उम्र से और असं मैं प्रार्थना कर प्रभु ने कहा तेरा धर्मी जन विश्वास द्वारा जीवित रहेगा तेरा कलाम कहता है। और मैं ये भी गल कही कि मैं धर्मी हाँ या नहीं है तू जानता, मैं अपने आप धर्मी साबित नहीं कर सकता तू जानता है मैं धर्मी हाँ या नहीं है पर तेरा वचन सच्चा है वो कहता है तेरा धर्मी जन विश्वास
विश्वास द्वारा जीवित रहेगा। मैं 75 बार वो वर्ड बोलिया, करीब रात के 12:15 टाइम सेगा। डॉक्टर तीसरी बार नीचे आया, मैं क्या एक बार चेक कर लो डॉक्टर साहब, कहता मैं डॉक्टर मैं कोई पागल थोड़ी है बार बार चेक करूंगा, मर गए मतलब मर गई है। पर उन्हें मैंने फोर्स किया, वो चेक कर ले गया, उन्होंने जाके पूरा वेट जरा सेगा इन्हें पेट से पाया, इन्होंने चेस्ट से पाया, और जितना इन्होंने पूरे बॉडी का वेट उदा गया, एकदम गला फुलिया आवाज और कहते हाय मां, और प्रभु ने जान वापस ली और अज जून दे तुहाडे दरमियान खड़े आ। 2004 तो लैके 18 साल हो गया प्रभु की सेवा विच लगातार रात दिन काम करदे आ, उपवास करदे आ। 3 मेजर ब्रेन दे ऑपरेशन होए, 3 मेजर ब्रेन दे ऑपरेशन, 1 मेजर ब्रेन दा ऑपरेशन हो जाए बंदा चलन योग नहीं रहिंदा, ओदी अख जांदी, ओदा कन जांदा, ओदा शरीर मर जांदा है, पर प्रभु ने सारे दे सारे बॉडी दे अंग परफेक्ट है और अपनी सेवा दे लई इस्तेमाल कीता है। अज मैं तुहानू क्यों दस रिहा, क्योंकि बन गया पत्रस कंधा, मैं सब को छड़ के तेरे पीछे आया, मैनू की मिलेगा, सानू जीवन मिलया है, सानू की मिलया जीवन मिलया है। असी पहली गल को छड़े नहीं प्रभु, आपा को छड़े नहीं है, पर जे छड़ दिता है सानू जीवन मिलया है, सानू धन मिलया है जो कदे समाप्त नहीं हो सकता, जो कदे खत्म नहीं हो सकता, ऐसा महिमा दा धन मिलया है जिहदी कोई गिनती नहीं हो सकती, जो अनलिमिटेड है। जो अब्राहम उत्ते आया वो घरों खाली निकलिया, पर अब्राहम दे नौकर इन्ने बन गए, उहदे चाकर इन्ने बन गए, उहदी प्रॉपर्टी इन्नी बन गई कि उहने अपने लोग नूं कहा तू जिहड़ा हिस्सा चुन ला चुन ला भई, पर साडी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कई बार बहुता धन भी लड़ाई पा दिंदा है, वह कहता मैं बहुता कमाना तू घट कमाना, जिहड़ा घट कमाता उहनूं बार बार मीने मारदा है बंदा, पर जिहड़ा घट कमाता है वह ज्यादा कहता मीने मारना प्रभा मेरी भी वारी एक दिन आएगी, मैं भी कमाण वाला बन जाऊंगा। कदे भी बच्चों नूं इग्नोर नहीं करना, उन्होंने इंसल्ट नहीं कर, तू कमांदा नहीं है, तू गवाऊ है, तू नाश करने वाला है, तू बर्बाद करने वाला, नेवर से। जो वर्ड तुसी बच्चों के बोलने हैं वो उन्होंने अप्लाई होने हैं। अगर ब्लैसिंग बोलोगे ये बोलोगे तू सफल होवेगा, वो सफल हो जा रहा है, वो भावे अबाणी बन जाए, भावे अडाणी बन जाए, भावे देश का कोई व्यक्ति बन जाए, थोड़ी एक आशीष का वर्ड थोड़े बच्चों को ऊंचाइया की ओर लैके जा सकता है। पर असं बच्चों बोलते नहीं, आप कोस रहने, चाहे वह कुड़ी है, चाहे अपना बेटा है, चाहे कोई अपना रिश्तेदार, आप तू निकम्मा है, तू जे है। बाइबल कहते निकम्मा वर्ड के इस्तेमाल किया गया उस दुष्ट दास वास्ते बोलिया गया जिन्हें अपने मालिक की मर्जी पूरी नहीं की। बच्चा निकम्मा नहीं कदे कहना, कहते जी मेरा बच्चा बड़ा शैतान है, वो तुम अपने बच्चे शैतान बना रहे हो, शैतान तुहाडा विरोधी, तुम अपने बच्चे ने अपना वैरी बना रहे हो, वो परमेश्वर की मिरास है, ढिड का फल के नाम है, वो एक बरकत है, उन्होंने बरकत देवो, उन्होंने कहो ही इज ए सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का पुत्र है, जो तुम बोलोगे वो परमेश्वर के काम करने वाला बनेगा, वह परमेश्वर की मर्जी पूरी करने वाला बनेगा, तो थोड़े नाम रोशन करने वाला बनेगा। और अगर लिखा गया कहता कि सब कुछ छड़ के तेरे पीछे आ गए हैं, हुण सानू की मिलेगा। यीशु ने कहा मैं तो सबसे कहता हूं नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करोगे। आज्ञा मनना क्यों ना, आज्ञा मनना की बनना, तुसी परमेश्वर के नाल 12 सिंहासन उत्ते बैठोगे। हालेलुया, एवें ना क्या करो, असी ते चर्च चुर्च जाने हां, दुआ दुबू करदे हां, आओ बंदगी बुंदगी कर लईए, ओ कहना वर्ड होया बंदगी, मतलब बड़ा वड्डा वर्ड है बंदगी, बिलोंग टू गॉड, दुआ थोड़ा रिलेशन परमेश्वर नाल है ना, चर्च खुदा दी प्रेजेंस है, उदी दुल्हन है, उन्हें चर्च चुर्च नहीं कहना, दुआ दबू नहीं कहना, बंदगी बंदगी नहीं कहना, बंदगी बड़ा साफ वर्ड है, बड़ा पवित्र शब्द है, दुआ थोड़ा रिलेशन है परमेश्वर नाल, तुसी उदा उल्टा वर्ड कर, तुहाडा कोई संबंध उहदे नाल नहीं है। प्रभु तुहानू कह रहा तुसी मेरे नाल सिंघासन दे उत्ते बैठोगे और 12 गोत्रां दा न्याय करोगे। आम लोग थोड़ी सी, ना बोलो सरपंच इत्थे, ना बोलो पंच इत्थे, कोई गल नहीं, पर स्वर्ग विच तुसी दुनिया भर दे लोकां दा न्याय करन लई तैयार हो रहे हो,
दुनिया भर के लोगों का, राजा का भी, महाराजा का भी, प्रधानमंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का, एमएलए का, सरपंचों का, आम लोगों का, अमीर गरीबों का न्याय तुसी करोगे। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। और कौन करेंगे? जेड़े परमेश्वर की आज्ञा की पालना करेंगे। हालेलुया। की करेंगे? परमेश्वर दी आज्ञा दी पालना करेंगे। जो एक गल बोली और फिर उसके कहना, किसी ने घरों भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे लिए छोड़ दिया है तो क्या मिलेगा? 100 गुना मिलेगा। अगर आपने 1 गुना छोड़ दिया कितना मिलेगा जी? सब बोलो कितना मिलेगा? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? 100 ਗੁਣਾ। ਸਭ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਪਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਔਰ ਕਹੋ, ਮੈਂ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਪਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਛੱਡੇ ਆ, ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਪਿਤਾ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਤਾ ਛੱਡੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਛੱਡੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਾਣ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ ਪਰੇ। ਆ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਆ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੂਏ ਦਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।